चावल की खीर बनाने के लिए हम एक मुट्ठी चावल लेंगे, इसको एक भगोने में डाल के उसको धो लेंगे, दो तीन पानी धो लेंगे। दो तीन पानी धोने के बाद आधा घंटे के लिए उसको रख देंगे पानी में भिगोकर। उसके एक डेग में पानी लिया, उसको उसके बाद एक लीटर दूध खाली कर दिया। पानी इसलिए डाला क्योंकि डेग जले ना, क्योंकि पहले पानी डालो तो फिर डेग नीचे से डेग में दूध लगता नहीं है, नहीं तो पहले दूध डाल दोगे तो डेग जल जाएगा। इसलिए पहले कभी भी आप पानी डालना, उसके बाद ये दूध डाल देना एक लीटर। दूध कैसा भी हो चलेगा, ऐसा नहीं है कि फुल क्रीम चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूध को खाली करके जिसको उसको उबालने रख दिया। दूध को हम उबाल लेंगे, एक उबाल आने के बाद ही आप इसमें चावल डालना। कभी जैसे दूध जैसे कभी कभी जैसे दूध हम डालते हैं बना गर्म करने रखते हैं, कभी कभी दूध वहीं से ख़राब आता है तो कभी कभी दूध फट जाता है। जैसे चावल नहीं डालो तो हमारा दूध जैसे भी काम आ जाता है, कभी पनीर नहीं बन जाएगा, और चावल डाल दोगे तो ये दूध हमारा कुछ काम नहीं आ सकता है। इसलिए कभी भी पहले एक उबाल दूध को आने देना, उसके बाद ही अब चावल। अब दूध जो उबाल आ गया, अब वो चावल जो मैंने भिगाए थे आधा घंटा, वो चावल में अभी दूध में डाल रही हूँ। चावल मैंने डाल दिए हैं, उसके बाद डालने के बाद अब 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद एक करछी को चलाते रहना। चलाते रहोगे तो पता चल जाएगा क्या मतलब चावल कितने पके हैं और कितने नहीं पके हैं, वो सब पता चल जाएगा। मतलब जब करछी चलाओगे तभी पता चलेगा। आप देखो ये अभी खीर 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं जैसे चला रही हूँ, आप भी ऐसी मतलब थोड़ी देर में 10 मिनट में या 5 मिनट में देखते रहना, या नीचे जल तो नहीं रही है, कहीं लग तो नहीं रही है, इसको चलाते रहोगे तब पता चलेगा। 4-5 इलायची हैं ये, अब इनके छिक्कल निकाल के इनको कूट के फिर इसमें खीर में डालूंगी। देखो पहले मैंने खीर दिखाई थी ना, तो उसमें वो उतना ही हो गया था ना, अब देखो और ये और मलाई जैसी आ गई देखो। और मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं इसको मतलब बारीक गैस में रखा है, इसको गैस मैंने तेज नहीं किया। ये एक कटोरा मैंने चीनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा इतना सा और डाल रही हूँ। अब इसको मैं देखो हो गई ना खीर, देखो खीर देखो कितनी बढ़िया खीर हो रही है देखो। अब इसके ऊपर केसर डाल दूँगी, जो केसर मैंने भिगाया था ना वो केसर डाल दिया मैंने। वो जो एक लीटर दूध था ना हमारा, देखो वो एक लीटर होते होते उतना ही हो गया। देखो देखो एक खीर, देखो अब हमारी खीर ये रेडी हो गई है। हमने चीनी डालने के बाद इसको 5 मिनट और पकाया है। उसके बाद पकाने के बाद इसको फिर आप कैसे भी मतलब ठंडा खाओ, गरम खाओ, कैसे भी खाओ। और हाँ एक बात और है, चीनी पहले चावल पकने देना उसके बाद ही चीनी डालना। पहले चीनी डालोगे तो चावल कभी नहीं पकेंगे। मैं ये सर्व करके ला गई हूँ, इसमें मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए। तो और अब मीठा आपको जितना पसंद है, जैसे आप किसी को ज़्यादा पसंद होता है किसी को कम पसंद होता है, वो अपने हिसाब से मीठा ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ, एकदम बढ़िया एकदम टेस्टी। एक बार ज़रूर बनाना और खा के देखना, सब खुश हो जाएंगे, आपके परिवार वाले बच्चे खुश हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मुझे अभी स्टार्टिंग है, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, इसमें जो भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे।